हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द टू एंड ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 2×10⁻¹ कूलम्ब, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एज्यूम दैट एक्सटेंशन इज ए स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। जस्टिफाई दिस एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए दो चार्ज पार्टिकल है क्यू और क्यू, है ना, ये दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये दोनों क्या है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। स्प्रिंग से कनेक्टेड होने के कारण ये दोनों जब एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे, ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो इक्वेट कर देते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर्ड बाई एल प्लस एक्स। एल क्या है यहाँ पे, नेचुरल लेंथ। इसमें एक्स एक्सटेंशन आ गया तो ये एल प्लस एक्स हो जाएगा लेंथ, है ना, एल यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, ठीक है। इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। देखिए यदि आप लेंथ का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा लेते हैं एक्स से, तो एल प्लस एक्स के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख के बना सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 एल स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू के एक्स, ऐसा कुछ लेना है और सॉल्व कर लेना है इस एक्स का वैल्यू, ठीक है। यदि आप एल प्लस एक्स यहाँ पे यदि आप एल प्लस एक्स लेकर के बनाते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू यदि बहुत छोटा नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में एक तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि एक्स का 2-3 वैल्यू आएगा, उसमें से कोई एक वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा वो आपको एज्यूम करना होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इस कारण से क्वेश्चन में कहा गया है कि एल जो है बहुत बड़ा लेना है एक्स से। थैंक यू।